उनका। क्या मामला? मामला सर ऐसे है, जैसे सवेरे सवेरे उसकी चाची के साथ और एक दो लगाई और थी मंदिर में पूजा करने के लिए लड़की गई है। लड़की आते वक्त इन्होंने उसके साथ धक्का पेली करके किडनैप किया है। तो हमारी जो गांव की लेडीज उसके साथ थी, 5-10 और पास में थी, उनको हत्थापाई मारपीट भी की है सर। मारपीट करके गाड़ी में धक्का से लले धकेल के और लेके भाग गए सर। हाँ सर, अब क्या चाहते हैं भाई? अब हम चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए सर, और हमारी लड़की हमें मिलनी चाहिए सर। शक या किसी पे अंदेशा है? शक अब हमें तो अभी तो कुछ पता नहीं है सर, लेकिन प्रशासन बता रहा है कि कोई सिरदा गांव का है कोई लड़का। हमें तो इतना नहीं पता भाई कौन है कौन ना है, जो प्रशासन बोल रहा है वो ये कारण है। सीसीटीवी कैमरे में आए हैं फुटेज में, कोई दिखाई दे रहे हैं आपने? नहीं सर, नहीं सर। क्या है फुटेज में? जो फुटेज है फुटेज में उसमें गाड़ी आ रही है जी, एक लड़का थोड़ी देर उसके पीछे गया है, जैसे लड़की को उसकी फिर बाजू खींची है, बाजू खींच के फिर वो जब उन्होंने मना किया है, उन्होंने पाँव भी अड़ाए हैं लड़की ने गाड़ी में, गाड़ी खिड़की में। फिर हमारी जो लेडीज उसके साथ थी उन्होंने उसको लड़के को भी बल्कि पकड़ने की कोशिश किया, उनके हाथ मारा पीटा भी है लेडीज को, हमारी जो साथ में थी उनके मारपीट करके उसको भगा के लले किडनैप करके उसको गाड़ी में धक्के से चिटाना चाहे उनको भी फेंक के चोट मार के। गाड़ी नंबर कुछ क्या? गाड़ी नंबर क्योंकि उन्होंने लाइट जगाई हुई थी सर, वो पूरा कौन वो नहीं है कलर नहीं। 6:30 बजे प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं? हमें नहीं पता सर, फुटेज में तो वो तो हरसोला की तरफ से आई है सर। गई हरसोला की तरफ से? गई हरसोला की तरफ है। अब आई कहाँ को? आई आने का नहीं पता सर, क्योंकि आई कहाँ को सर। क्या लग रहा है आपने कुछ? हमें नहीं पता सर इसके बारे में। पुलिस द्वारा क्या? कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। सिर्फ एक ही काम है बस इनका, बस एक ही वो कर रहे हैं भाई, कार्रवाई शुरू है, कार्रवाई कर रहे हैं हम, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें संतोषजनक। नहीं सर, लड़की का फोन तो रखती हो नहीं जी, हम इतने तकड़े साहूकार कहाँ हैं जी भाई, हम हर एक परिवार में हर एक बच्चा के पास फोन मिलेंगे, हम इतने वो नहीं सर। हाँ सर, फाइनल थी आई जी कॉलेज में सर, फाइनल नहीं हमारी नॉलेज में नहीं है सर, हमारी नॉलेज में वो कोई नहीं, ऐसा कोई संज्ञान नहीं है भाई क्या हुआ है, क्या था पीछे, क्या नहीं था। लड़की बरामद होनी चाहिए सर, बस या कोई पहलू है तो आकर आप समझाए कई बताए जी। ये तो दे रहा भाई, मेरा तो पूर्ण चंद है जी। पूरे मामले को यही मान है, अभी तक खुलकर तो कुछ बेरा नहीं, प्रशासन ही मारे को कह रहा है भाई ये बात है ये, यार कार्रवाई कुछ कर नहीं रहे भाई, हम उसको पकड़ेंगे दकड़ेंगे, 1% भी कोई कार्रवाई नहीं। सवेरे 6 बजे से अब तक, तो इसलिए हमने मजबूरों का यहाँ बैठना पड़ा, और आगे की कार्रवाई या रास्ता रोका या मनानी लीवीज के पास कहीं भी अपनी हमदर्दी के लिए जाएंगे, यहाँ से कोई हमने कोई 1% भी रोक सवेरे के, हम यही कह रहे मिले कोई कुछ नहीं है कह रहे भाई कार्रवाई करे 1% भी, जब हमने खुद कह लिया तो हमने 1% नहीं कार्रवाई करी। बातचीत हुई आपकी? बातचीत हमारी SHO हुई है जी, 5 बजे भाई कोई कार्रवाई नहीं इनकी जी, ये तो हाथ में हाथ बैठे हैं जी। सरपंच प्रतिनिधियों में क्या मामला? मामले है लड़की का, सबेरे किडनैप कर ली थी वो, सुबह 6:30 बजे शिव मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, तो वहाँ से 3-4 लड़के आए थे, स्कॉर्पियो में उठा के ले गए उसको, और सुबह से पूरा गांव यहाँ बैठा है, तो पुलिस प्रशासन ने आस लगाई थी कि भाई हम उसका समाधान करेंगे, अब तक फिलहाल कोई समाधान नहीं हुआ। हम यह चाहते हैं कि भाई लड़की के साथ या तो बातचीत करवाई जाए हमारी, या उससे मिलवाया जाए, अब तक पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा भाई। सुबह के सारा गांव बैठा है, मतलब जा भी लिए घर, लेडीज भी थी, पूरा गांव निकल गया रहा था। क्या आशंका है कोई रंजिश पुरानी? ना ऐसा तो कुछ दिखता नहीं भाई। पूरे मामले में क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं भाई ये लड़की के साथ बातचीत हो जाए हमारी, हमारी लड़की आ जाए, पूरा काम संतुष्ट हो जाए। हाँ, क्या नाम है? रणबीर सिंह है जी। गांव में भूमिका? हाँ जी, सेग्गा गांव का से जी मौजूदा आदमी हूँ। कैसे हुआ था पूरा मामला? सर सवेरी 6:30 बजे का टाइम था, मंदिर में शिव मंदिर की पूजा चल रही है, लगाई जा रही थी, उनके साथ ये लड़की थी, तो आते वक्त मंदिर में दो पूजा के आने के बाद
चार थे शायद, जो प्रत्यक्षदर्शी थे चार महिला थी, उनने जबरदस्ती उठा गए, उनने अपादप्पी भी करी है भाई, मरी लड़की ने लेके रुक के भी मारे हैं, मारपीट उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई है सारा सदा। अच्छा मनुष्य टाइम पर कोई था कि सुबह सवेरी खेत में चले जावा सारा सौदा, क्यों ग्रामीण मोहल्ला है। अच्छा जी जबरदस्ती लेके स्कॉर्पियो गाड़ी थी, अच्छा इतने लोगों ने पीछे लगे इतना बैच के जी, और मारी लड़की तो जी किडनैप करी है जी, जिसमें सीसीटीवी में आ रही है जी फुटेज में, गाड़ी आ रही है। अच्छा हैं हाँ उसकी उसके भी आ रही है जी सीसीटीवी, और 16 का नहीं गए जी, हाँ सब ने देखे जी 16 का नहीं, गाड़ी स्कॉर्पियो गई है, पाछा गाड़ी भी लगाई है, मतलब उसने मरता क्यों मम तो फिर कार्रवाई करिए, बच जे हम मोटरसाइकिल में बच जे सारा सौदा बच जे, फिर तो मैंने पाए को नहीं जी बैच के मैं, हाँ पुलिस में तो जी है थे मम सारा काम, हर गांव का हर एक सदस्य है लिया था उरे थाना में अंदर, जमा इतना रोष है जी मारी जमा गरीब ब्राह्मणों गल जमा साहब जैसती करिए तो अपहरण का केस है, और जमा में कोई मलंग आदमी है और ये का हमारी इज्जत लूट ले ली, और इस पर क्या होगा जी, है गांव की इज्जत थी सारा गांव की इज्जत मारा था, मम तो मट्टी मिले दी सब थे तो, और कोई भी मम ने मारी लड़की एक माना आंखें दिख जाए नहीं, मतलब नहीं हो जाए हमारा पेटा भर जाए भाई हमारी लड़की आएगी, अभी कोई कार्रवाई नहीं जा रहा है, पहले शादी भी हो चुकी थी लड़की की। इस ना जी इस बात का तो मुझे ज्ञान नहीं जी, मैं तो मतलब पुलिस गाँव में भी गई, हाँ पुलिस गाँव में बाद में गई है जी, बाद में कार्रवाई कर गई थी, शादी शुदी के बारे में अपना कोई जानकारी जी, माँ मतलब मारी पड़ोस की लड़की है, किडनैप का मामला है सारा जी, सारा जबरदस्ती करी है। सेका गांव से सुबह पवन है एक, उसने बताया था कि भाई उसकी भतीजी को कंप्लेंट दी थी उसने कि तीन चार लड़के हैं जो स्कॉर्पियो गाड़ी में वो मंदिर में गई हुई थी और उसको उठा के ले गए हैं, उसके फिर यहाँ हमने 365 का पर्चा दर्ज कर दिया था अननोन के खिलाफ पे, पर बैकग्राउंड से जाके हमें कुछ पता चला कि जो कोई लड़का एक शेर देगा उसके साथ पहले उसकी कोर्ट मैरिज हुई थी, तो उस संबंध में उनका कोर्ट में भी कोई अभी हाई कोर्ट में कोई इशू चला हुआ है, तो बाकी एसपी साहब की दिशा निर्देश अनुसार हमारी सीआई 1-2 और साइबर सेल भी और थाने से भी एक टीम गई हुई है, और जल्दी उनको रिकवर करके उसके 164 के बयान माननीय न्यायालय में करवाए जाएंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कर दी जाएगी। फिर ग्रामीणों में देखो गांव से कोई लड़की गई है तो थोड़ा रोष है, उनको ग्रामीणों को समझाया और उनसे समय मांगा गया कि भाई हमें कार्य करने का थोड़ा समय दें और जल्द ही उनको रिकवर करके और उचित कार्रवाई कर दी जाएगी। हाँ दूसरे पक्ष के घर जाके भी रेड की गई है और वहाँ गांव के लोगों से भी आसपास पूछताछ भी की है, और जो CDR जो लगवाई थी और उसमें जिन नंबरों पे बातचीत लड़के की हुई थी उन पे भी रेड वगैरह भी की गई और पूछताछ भी की गई है। अभी टीम हमारी प्रयास कर रही है, जैसे ही कोई सफलता मिलेगी आप लोगों को बता दिया जाएगा।